गोलीबारी तक हुई, कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने फायरिंग के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर लोगों से अवैध तमंचे और कारतूस तक बरामद किए गए। खूनी झड़प है। लॉकडाउन में बंदी के दौरान कुछ लोग खाली पड़े प्लॉट में ताश खेल रहे थे। मकान मालिक ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद विवाद ऐसा बढ़ा कि गोलीबारी शुरू हो गई। 2 लोग इस दौरान घायल हो गए। अब पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की है। तस्वीरें देख लीजिए। कोरोना की बात दूर है, लड़ाई झगड़ा कहीं बहुत ज्यादा दिख रहा है इस वक्त तमाम ग्रुपों में। और ये तस्वीर देखिए, गोली चलाते हुए शख्स की तस्वीर। ये संख्या उन्हीं असामाजिक तत्वों की है जो कोरोना के लॉकडाउन के बीच भी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। हर वो काम करते हैं जिससे कोरोना के खिलाफ चल रही जंग कमजोर पड़े। और जब उनको कोई रोकने की कोशिश करता है तो वो असलहों के साथ मौजूद होते हैं। अगर ये लोग शरीफ हैं, अगर ये लोग कानून को मानने वाले हैं, तो इनकी जेब में इस तरह के असलहे क्यों मौजूद हैं? कोरामपुर से तस्वीरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।